अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन हुमा ख़ान और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चिकन कॉर्न सूप, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इस मौसम में। तो इस मौसम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज हम चिकन कॉर्न सूप बनाएंगे। इसके लिए मैंने 200 ग्राम चिकन ले लिया है और चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है। ये मैंने हड्डियों के साथ में लिया है चिकन। 1.5 टेबल स्पून हमने यहाँ पर ले ली है मटर, ये हरी मटर ली है हमने, ये ऑप्शनल है। अगर आपका जी चाहे तो डालें, ना जी चाहे तो ना डालें, इससे देखने में सूप बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ्रोज़न हमने यहाँ पर स्वीट कॉर्न ले लिए हैं, ये हाफ बाउल से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमने जिंजर और गार्लिक पेस्ट ले लिया है, थोड़ा सा हमने हरा धनिया ले लिया है, 1 टीस्पून हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ले लिया है। इसको भी हम जब डालते जाएंगे तो थोड़ा हाथ रोक कर डालेंगे, देखें कितना लग जाता है। साथ ही हमने हाफ टी स्पून ले लिए हैं काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून हमने यहाँ सॉल्ट ले लिया है। आज मैं बहुत कम सूप बनाने जा रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चिकन लिया है। तो सबसे पहले हम अपना चिकन ऐड कर लेंगे और इसके अंदर हम 2 कप पानी ऐड कर देंगे और इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया है क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बनाने जा रही हूँ, 2 कप ही बनाऊँगी, तो इसके लिए इतना चिकन काफ़ी रहेगा। 2 कप हमने पानी ऐड कर दिया, इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। चिकन को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है, इसमें 1 उबाल आ गया है। अब इसमें हम डाल देंगे जिंजर और गार्लिक पेस्ट और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे काली मिर्चों का पाउडर और सॉल्ट, ताकि इसका फ्लेवर हमारे चिकन के अंदर भी बहुत अच्छे से आ जाए और सूप में भी बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर हो जाए। तो अब इसको हम कवर कर देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे, जब तक कि हमारे चिकन अच्छी तरीके से टेंडर हो जाता है, ताकि सारा फ्लेवर हमारे जो सूप हम बना रहे हैं इस सूप के अंदर सारा फ्लेवर आ जाना चाहिए। तो 15 से 20 मिनट लगेंगे चिकन को टेंडर होने में, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक हमारा चिकन बॉयल हो रहा है तब तक हम अपने जो स्वीट कॉर्न है इसमें से हम थोड़े से बचा देंगे, बाकी को हम ग्राइंड कर लेंगे, ताकि ये हम जब सूप में तो सूप हमारा थिक हो जाए। तो इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, ज़्यादा बहुत बारीक भी नहीं ग्राइंड करना है, इतना कि मोटा मोटा थोड़ा सा दिखता हुआ भी होना चाहिए। कॉर्न को हमने इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा सा दिखता हुआ होना चाहिए, ज़्यादा बारीक ना करें। सूप को तैयार करते वक्त हम इसमें ऐड करेंगे, तो इसे अब हम कवर करके एक साइड रख देंगे। मैंने इसमें अंडा नहीं डाला है, अगर आप चाहें तो अंडा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे सिर्फ 2 ही कप बना रही हूँ, इसे ज़्यादा नहीं बना रही, तो इसमें मैं अंडा भी नहीं ऐड करूँगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप अंडा ऐड कर सकते हैं। हमारे चिकन को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं और चिकन अच्छे तरीके से हमारा टेंडर हो गया है, इसको मैंने तोड़कर देख लिया है और अब आप देख सकते हैं कि पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है। इसमें मैं 1/2 कप पानी और ऐड कर दूंगी, लेकिन पहले अब हम क्या करेंगे कि इसमें से चिकन को बाहर निकाल लेंगे और इसको हम कर लेंगे शैरेट। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो करके रखा हुआ है। इस वक्त चिकन को शैरेट करने का बहुत ही अच्छा तरीका यह है कि आप इस तरीके से फोर्क ले लीजिए और इसको पकड़ लीजिए, इस तरीके से आप बोटियों को अलग अलग कर देंगे, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से शैरेड हो जाता है। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से शैरेड हो जाता है, देखिए चिकन को हमने शैरेड कर लिया है। इधर हम अपने सूप के अंदर ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, तो यहाँ हम डाल देंगे चिकन शैरेड किया हुआ। इसमें मैंने 1/2 कप पानी और ऐड कर दिया है क्योंकि इसके अंदर पानी काफ़ी कम हो गया था। इसमें डाल देंगे हम साबुत स्वीट कॉर्न, साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे फ्रोज़न हमारी ग्रीन पीस और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने ग्राइंड करके रखी हुई है स्वीट कॉर्न, वो भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे और इसमें नमक वगैरह आप टेस्ट कर लीजिएगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला देंगे। अब आप देख सकते हैं कि स्वीट कॉर्न का जो हमारा फ्लेवर है ये बहुत अच्छा हो गया है, साथ ही हमारा जो सूप है ये काफ़ी थिक सा दिखने लगा है, मतलब इसके अंदर जो चिकन है वो काफ़ी क्वांटिटी में है। अब आप देख सकते हैं कि चिकन सूप हमारा बनने ही वाला है, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी पतली है, ये देखिए इसकी वजह से हमें इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना पड़ता है। मुझे अंडे का टेस्ट इसके अंदर पसंद नहीं है, मैंने इसलिए अंडा नहीं ऐड किया है। अगर आप टेस्ट पसंद करते हैं अंडे का तो आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। तो अब हमने जो कॉर्नफ्लोर लेकर रखा था उसकी स्लैरी तैयार कर लेंगे, इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसकी पतली सी स्लैरी तैयार करेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारा तैयार हो गया है, स्लैरी हम इसमें डाल देंगे। चिकन कॉर्न सूप को बनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, अब इसके अंदर जो स्लैरी हमने तैयार करके रखी है कॉर्नफ्लोर की वो हम ऐड कर देंगे। इसे हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे ताकि इसके अंदर जल्दी से उबाल आ जाए। इसमें हम चम्मच चलाते हुए 2 मिनट के लिए पका लेंगे, साथ ही हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर भी इसके अंदर बहुत अच्छा सा आ जाए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारे चिकन कॉर्न सूप में
और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। और इसको बनाना भी आसान है, कभी कभी चिकन आ जाता है उसमें से भी आप 2 से 4 बोटियाँ निकाल लीजिए और फिर उसके साथ ही आप इसको बना लीजिए। घर में पड़ी हुई सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। कॉर्न सूप को हमने 2 मिनट के लिए और पका लिया है और ये बहुत अच्छी तरीके से पक गया है। ये देखिए कितनी अच्छी थिकनेस है इसकी, काफ़ी सारा इसके अंदर चिकन नज़र आ रहा है। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर लेंगे, उसको कर लेंगे डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार चिकन कॉर्न सूप बनकर तैयार है। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, ये देखने से जितना यमी लग रहा है खाने में तो ये उससे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। आप इसको सर्व करें लेमन के साथ में, लेमन का इसका जूस जो होता है, लेमन का जब डालकर हम इसको पीते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने इसके अंदर अंडे नहीं डाले, मैंने आपको 2-3 दफ़ा बताया है। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद है अंडे का तो आप ज़रूर डालिएगा, मुझे पसंद नहीं है, मैंने इसलिए इसके अंदर अंडा ऐड नहीं किया है। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।